बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं DITEducation.com। ऑपरेशन रिसर्च का जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 है इस सीरीज़ का, जिसमें MTH601 के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं। आज हम जो टेक्निक सीखेंगे वो डायनामिक प्रोग्रामिंग है। इससे पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, असाइनमेंट प्रॉब्लम, सिम्प्लेक्स मैथड, ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो ग्राफिकली भी सीख चुके हैं, न्यूमेरिकली भी सीख चुके हैं। ये बिल्कुल न्यू है, इसका पिछली किसी टेक्निक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, नई ही बिल्कुल ये टेक्निक है। बल्कि ये अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये रिचर्ड बेलमैन और रैंड कॉरपोरेशन ने जो है वो इसे डेवलप किया था। सीक्वेंस है ये इंटर रिलेटेड डिसीजंस का, और ये कंट्रास्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ इसका, ना यानी एक बड़ी स्कोप है लीनियर प्रोग्रामिंग की, जो असाइनमेंट में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी, हर जगह यूज़ होती है। लेकिन ये थोड़ा सा इन कंट्रास्ट विद लीनियर प्रोग्रामिंग है। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, जो मेथड इसके अंदर यूज़ होता है, उसे हम रिकर्जन मेथड कहते हैं। यानी एक ही सॉल्यूशन को हम बार 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 रिपीट करते हुए रेपिटेशन के साथ सेम फार्मूला जो है वो हम करते हैं। दूसरी बात ये थी कि लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका सॉल्यूशन डिपेंड करता था कंडीशंस के साथ, कंस्ट्रेंट्स के साथ। इसमें ऐसी कोई कंडीशन या कंस्ट्रेंट्स नहीं है डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर, हम इसे जैसे चाहें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम गौर से देखें तो मच लेस एफर्ट है देन एग्जॉस्टिव एनुमरेशन। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर सारे स्टेप्स हमें करने पड़ते थे, सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम के स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। उसके बाद उसी स्मॉलर सोल्यूशन को फिर हम ग्रेजुअली बड़ा करते चले जाते हैं और आखिरकार हम पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। यानी हम प्रॉब्लम को लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखना, डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई उस पर होगा जिस प्रॉब्लम के अंदर ये खसूसियत होगी कि उसको आप स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करके फिर छोटे पोर्शन को सॉल्व करके बड़े की तरफ आप जाते रहेंगे, जब तक कि हम ओवरऑल उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसे बेलमैन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी जो है इस नाम से भी रेफर किया जाता है। अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, जो जो प्रॉब्लम्स आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ये नाम है जी उनके, इन्हीं को प्रोटोटाइप प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग, केमिकल रिएक्टर डिज़ाइन, हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन एंड बिजनेस सिचुएशंस एंड डिसीजंस फॉर इन्वेस्टमेंट, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं आपके, ये सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, आप एक बिजनेस मैनेजर हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस के लोगों को भी जब कॉस्टिंग करनी होती है अपने प्रोजेक्ट की, तो उनके पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, तो उन्हें भी ये काम करना पड़ता है, ठीक। अगर हम बात करें इसकी प्रोटोटाइप प्रॉब्लम की, तो जो प्रोटोटाइप प्रॉब्लम हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्टेज कोच प्रॉब्लम। स्टेज कोच प्रॉब्लम, बेसिकली इसे सेल्समैन ट्रैवलिंग प्रॉब्लम भी कहा जाता है। है ये बेसिकली क्या, स्टेज नंबर वन के ऊपर एक सेल्समैन खड़ा हुआ है और इसने 10 नंबर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। मुख्तलिफ रास्ते हैं, ये 1, 2, 5, 4 से भी जा सकता है, ये 1, 3, 6 से भी जा सकता है, ये 1, 4, 7 मुख्तलिफ। ये ए है इसका जहाँ से इसने जाना है, और ये डी है जो डायग्राम के नीचे थोड़ा सा हुआ हुआ है, यहाँ तक प्रॉब्लम में जाना है। ये हमारी प्रोटोटाइप प्रॉब्लम है, डायनामिक प्रॉब्लम को समझने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये एरोज जो हैं ये बता रहा है कि इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ आके भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ भी 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं, यहाँ से आगे 2 हैं, 2-2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और यहाँ से आगे एक ही पॉसिबिलिटी इसके पास है। लेकिन चूँकि हर जो डिस्टेंस है, हर जो 1 से 2 तक जाने की कोई कॉस्ट है, 2 से 5 तक जाने की भी कोई कॉस्ट है, कॉस्ट को आप पैसे समझ लें, लागत समझ लें, फासला ही समझ लें, आप समझ लें कि जो है ना आप गुजरांवाला के एंटर पे खड़े हैं, या आप लाहौर के शुरू में आ गए हैं यादगार, और आपने यहाँ से जो है वो मॉडल टाउन में जाना है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। एक सेल्समैन, और ये प्रॉब्लम आपको पता है आजकल पांडा फूड, पांडा वहाँ भी यही चीज़ यूज़ होती है, क्रीम के टैक्सी के अंदर भी ये यूज़ होती है। आपको पता है क्रीम फूड पांडा का जो एल्गोरिदम है उसके बैक के ऊपर जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग और ये स्टेज कोच प्रॉब्लम और सेल्समैन प्रॉब्लम रन कर रही है। शॉर्टेस्ट फंड गूगल मैप्स के अंदर ये एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है। क्या करता है कि आप उसे जब डेस्टिनेशन देते हैं तो वो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है ना,
जो वो कैलकुलेट करता है कि जी मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी, वो डिसीजन आपको करके दे रहा होता है कि जी आप इस रास्ते से जो है ना वो चले जाएं। बाद में साथ में कैलकुलेट करके भी बताता है वो आपको, इतने माइल्स हैं और इतने घंटे जो हैं वो आपके लगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम देखते हैं जी, इसको ज़रा फॉर्मुलेट कर लेते हैं। फॉर्मुलेशन इसकी कैसे है जी, ये एक टेबल की सूरत में आपको मिल सकता है या एक डायग्राम की सूरत में आपको मिल सकता है। अब हम इसे ना डिवाइड करेंगे, इसको ट्रायल एंड एरर के मेथड से अगर हम करें ना यहाँ से, यानी डिफरेंट तरीकों से, तो 18 पॉसिबल रास्ते हैं इसके, 18। हाँ जी, यहाँ से जाने के जो टोटल पाथ बनते हैं 1 2 6 9 10, 1 3 6 5 8 10, 1 3 1 4 3 6 9, यानी ये टोटल कितने रास्ते बनते हैं, ये टोटल 18 रास्ते बनते हैं। तो सिंपल बात है, हम 18 का कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और बता देंगे जी कि सबसे कम कॉस्ट जो है ना वो कहाँ पे है, और इसको फाइंड कर लेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके ना? नहीं जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। 18 कैलकुलेशंस करना, 18 रूट बनाना, मैक्सिमम रूट बनाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर आता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो एग्जॉस्टिव किस्म की इनमिरेशन जो है ना वो हमें नहीं करने देता, बल्कि हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद एक एक करके उसका सोल्यूशन सॉल्व कर। मसलन पहले हम देखते हैं जी, 1 से हम 2 3 4 पे जा सकते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 से उसे कहाँ जाना चाहिए। फिर जब वो 2 3 4 पे आ जाएगा तो हम कहेंगे जी 5 6 7 पे जाने की ये कॉस्ट है जी, 2 से 5 पे 70, 2 से 6 पे 40, 2 से 7 पे। फिर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि उसे 2 3 4 में से कहाँ जाना चाहिए, अगर वो 2 पे आता है तो उसे कहाँ जाना चाहिए, अगर वो 3 पे आता है तो उसे कहाँ जाना चाहिए, अगर 4 पे आता है, हम इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम 5 6 7 पे पहुँच गए, फिर 5 6 7 के ऊपर रहते हुए वो 8 और 9 पे जा सकता है, फिर हम 8 और 9 को कैलकुलेट करेंगे कि वो 8 और 9 पर कैसे जा सकता है, सबसे जो मिनिमम जो है डिस्टेंस है वो उसका कितना होगा। फिर हम 8 और 9 से डेफिनेटली हमने 10 पे जाना है तो हम देखेंगे कि वो 10 पे कैसे आ सकता है। समझ आ रही है ना, यानी हम इसको बैकवर्ड प्रोसीड करेंगे। एक बात ये भी ज़हन में रखिएगा, हम इधर से आएंगे, 8 और 9 पे ये कहाँ से आ सकता है, 5 और 6 पे ये कहाँ से आ सकता है, 2 और 3 पे ये कहाँ से आ सकता है। हम इसको बैकवर्ड प्रोसीडिंग के साथ जो है ना वो सॉल्व करेंगे। इन दिस एग्जांपल वी हैव 8 एंड 9। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम आ गई आपके पास, ये प्रोटोटाइप प्रॉब्लम है, ये हमने उसका ये टेबल की सूरत में भी लिखा हुआ हो सकता है जी, कैसे भला आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 8 9 10, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये देखें जी, ये आपके पास प्रॉब्लम इस तरह भी हो सकता है जी। यूनिट 1 2 3 है, ABCD है, समझ आ रही है, ये आपके स्टेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये ए और डी है, यहाँ से इसने मूव करना है, 1 से 1 तक क्या है, 1 से 2 तक क्या है, 1 से, ये देख लें आप अपने इस टेबल के अंदर कितनी एंट्रीज हैं, 1 2 3 हैं, 4 5 6 9, ये हैं 9 और 3, 12 12 और 6 आपके पास ये हैं, 18 और 2 कितनी है, 20 एंट्रीज हैं जो आपने इस तरह बनानी है। तो आप इसमें से ये टेबुलर फॉर्मेट में आपके पास हो सकता है और आपने फिर इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, वेरी सिंपल, ये टेबल या ये नेटवर्क की डायग्राम ये आपको दी होगी, आपने इससे जो है ना वो आगे कैलकुलेट करना है। अगर ये डायग्राम दी हो तो ज़रा इसको मैच करके देखें जी, ये 1 है, 1 से आप 2 और 3 4 पे जा सकते हैं और इन एरोज़ के ऊपर जो है वो आपको लिख के दिया जा सकता है कि ये इसका वेट है और उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, खैर जी आगे चलते हैं, सॉल्यूशन इसका कैसे बनेगा जी। सबसे पहले हम आगे जी 10 के ऊपर जी, ये टेबल आपको एक बनाना पड़ेगा जी। S जो है ये स्टेट है, X1 जो है ये आपका पहला डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपने जाना है, और F1 जो है आप इसको समझें फंक्शन है, इस S से यहाँ पर आने की जो कॉस्ट है। तो देखें जी ज़रा, ये आपका 10 है जी, 8 और 9 से आपने कहाँ जाना है, स्टेज नंबर 10 पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने 8 और 9 लिख लिया, ये 10 है, X1 आपका 10 लिखा जाएगा, यहाँ से इस कॉलम को हम फिल करेंगे, X1 हमारा 10 है, बैकवर्ड हमने आना है, X1 जो है ये हमारा 10 है जी। सबसे पहले हम X1 को इस 10 के साथ जो है ना वो जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो स्टेज है हमारी वो 8 और 9 है, 8 और 9 के अंदर हम स्टेट लिख लेंगे जी। ठीक है, 8 से 10 पे जाने की जो कास्ट है वो 30 है, लिख लिया जी 30, 9 से 10 पे जाने की कास्ट 40 है, ये हमने लिख लिया, क्योंकि एक ही स्टेज है दरमियान में, इनके दरमियान में 8 से डायरेक्ट 10 पे आएगा,
9 से डायरेक्ट 10 पे आएगा और मिनिमम भी इसके अंदर यही वैल्यू है, तो लिहाजा 8 से ये डायरेक्ट 10 में आएगा और 9 से भी ये डायरेक्ट 10 में आएगा। तो पहला जो आपका इटरेशन है ना वो तो सिंपल यही बनना है कि ये 8 से भी 10 पे आएगा और 9 से भी 10 पे ये आएगा, और जो जो कॉस्ट पड़ेगी इसे 8 से 10 पे आने की 30 पड़ेगी और 9 से 10 पे आने की इसे 40 कॉस्ट पड़ेगी। ये जो 10 है ये स्टेज है, ये कोई और चीज जो है ना वो नहीं है जी। तो इस टेबल को समझ में आ गया, ये टेबल हमने कैसे कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक हो गया। जो भी आपका लास्ट डेस्टिनेशन होगा ना वो उससे पहले वाले आपने यहाँ लिख लेने हैं और उसके बाद उनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ लिख देनी है। ये तो सिंपल है, इसी तरह ही आना है, इसमें कोई इसमें नहीं है। नेक्स्ट वाले में थोड़ी सी आपको जो है ना वो समझनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं हम 8 और 9 पे, ठीक है। ये 8 और 9 हम यहाँ लिखेंगे, यानी अभी इस टेबल को हमने सॉल्व करना है ना। 5, 6 और 7 ये हमारी स्टेट है, और 8 और 9 पे 5, 6 और 7 से कैसे आते हैं, तो देखें जी 5 से 8 पर आने के लिए कास्ट जो है वो 10 है, और इसी तरह 8 से आगे 9 पे जाने की जो कास्ट हमने कैलकुलेट की है वो हमारे पास 8 की 30 है, 10 और 30 को हमने जमा किया तो ये 40 आ गया। अच्छा जी, इसी तरह 5 से जाएं 9 पर, 5 पर 9 पे जाने की जो कास्ट है ना ये देखें 40 है, ये हमने 40 लिख लिया, ठीक हो गया। और 9 की अपनी कास्ट कितनी है, अपनी कास्ट 9 की 40 है, तो 40 में हमने 40 को ऐड किया तो ये 80 आ गया। अब 5 से अगर हम आते हैं अपनी कास्ट के ऊपर, जो f(2) हमारे पास हमने पीछे कैलकुलेट किया है, तो अब इन दोनों में से हमने कौन सी लेनी है, 5, 8 लेना है या 5, 9 हमने लेना है, ठीक है। 5, 8 की कास्ट 40 है, 5, 9 की 80 है, तो हम 40 वाला लेंगे जिसकी कॉस्ट कम है। तो कॉस्ट किसकी कम है, 8 नंबर स्टेज की, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमने जो सिलेक्ट की है वो 8 है, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं समझ आई तो रिपीट कर लें वीडियो को। अब आ जाएं 6 के ऊपर, ये 6 है, 6 की अपनी कास्ट कितनी है जी, 60 है, ये हमने 60 लिख दिया, और 8 की कास्ट कितनी है, 30 है, ये हो गया जी 90। 6 की है 9 पर जाने की, 6 और 9 की जो है वो 30 है, और 9 की अपनी 40 है, तो ये कितना हो गया, 70। अच्छा, 6 से 8 पर आने की कास्ट 90 है, 6 से 9 पर जाने की कास्ट 70 है, मिनिमम कौन सी है, 70 है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ किस स्टेज की मिनिमम है, 9th की है, तो 9th की स्टेट को हम लिख देंगे। यानी दो चीज़ें आपने यहाँ लिखनी है, मिनिमम भी लिखनी है और ये मिनिमम किस स्टेज की है उसका आपने नाम भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसी तरह 30+30 को सेलेक्ट किया, ये 60 हो गया और ये 70 हो गया। ये 30 कैसे आया, 7 को देखें जी, 7 के से 8 की जो है, 7 और 8 की 30 है, ये तो वो आ गई। उसके बाद 7, 8 की अपनी कितनी है, 30, 8 वाली आ गई, 60 हो गया, ये 30, 7 से 9 भी 30 है, और 7 से और 9 की अपनी 40 है, तो ये आपके पास 70 आ गया। तो ये 70 और 60 में से हमने 60 को चूज़ कर लिया जी, और 60 चूज़ किया तो ये कौन सी स्टेज पे बनता है, 8 पे बनता है, लिहाजा हमने यहाँ पे 8 जो है नोड उसको हमने जो है ना वो अपने पास सेव कर लिया है। यहाँ तक बात की समझ आ गई जी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं आगे कि हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या हुआ जी, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं जी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे भला, ये देखें 2, 3, 4, 2, 3 और 4 आ गया, जा कहाँ सकते हैं, 5 पे भी जा सकते हैं, 6 पे भी जा सकते हैं और 7 पे भी जा सकते हैं। 2, 5, 6 और 7 की कास्ट अब हमारे पास क्या है, 5, 6, 7 की जो कास्ट हमने कैलकुलेट की हुई है, 5 की कास्ट हमारे पास है 40, 5 जो है, और इसी तरह जो 6 है इसकी कास्ट हमारे पास 70 है, और जो 7 है हमारे पास भी 60 है, ठीक हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जी, ये देखें ये 5 है, 6 है और ये हमारे पास 7 है। 2 से 5 पे जाने की कास्ट है जी 70, और 5 से, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि 5 से हम जब ये 5 का हमारे पास 70 आ गया, अब हमने 5 के अंदर ये 40 कहाँ से लिया, ये सवाल है हमारा। ये हमने 6 के अंदर 70 कहाँ से लिया है, ये हमने 7 के अंदर 60 हमने कहाँ से लिया। ज़रा बैक आ जाएं तो अब आप देखें आपने 5 की क्या कास्ट कैलकुलेट की है, 40, और 7 की 6 की 70 और इसकी 70, यानी हम ये 40, 70 और 70 जो है ये मिनिमम कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 5, 6 और 7 की,
और अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए इसकी कास्ट जो हमने कैलकुलेट की है वो 40 है, 6 की जो हम लेके आए हैं वो 70 है, और 8 की जो हम लेकर आए हैं वो हमारे पास 60, 7 की सॉरी, 5, 6 और 7। अब आ जाएं जी, ये 70, ये 40 जमा हो गया 110, ये 70 और ये 40, ये 40 और ये 70 जमा हुआ 110, और ये 2 की 60 और ये 60 जमा हुआ तो 120, 120, 110, 110। इसका मतलब है कास्ट तो हम सेलेक्ट करेंगे 110, और यहाँ से जो स्टेज हम ले लेते हैं वो 2 है, तो हम 5 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं, दोनों के नंबर जो मिनिमम है ना वो आप यहाँ पे नोट कर देंगे। उसके बाद आ जाएं आप थर्ड के ऊपर, थर्ड की ये 30 है, ये देखें 30 प्लस 40 20 प्लस 70 और 70 प्लस 60 ये 90 आ गया और ये 120 आ गया, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट है वो 7 है, और ये 7 किसकी है, 5 नंबर की है, लिहाजा यहाँ हमने 5 सेलेक्ट कर लिया। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो इसमें से मिनिमम 80 आया, और 80 जो है वो 6 नंबर की भी है, 5 की भी है, लिहाजा हम 5 और 6 दोनों जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब हमारे पास जो स्टेज 2 की वैल्यू बन गई है वो क्या बन गई है, 110। ये देखें हमारे पास ये 110 बन गई है, और इसकी बन गई है 70, ये हमारे पास 70 बन गई है, और इस 3-4 की हमारे पास बन गई है 80। ये हमारे पास इनकी कॉस्ट जो है ना वो आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो अब आप देखें यहाँ पर हम लोग नोट कर चुके हुए हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, देखें हाँ 110, 70 और 80 जी। ये हमारे पास है 110, ठीक है, तो इसकी तरह ये हमारे पास है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 70, ये 110 है तो ये हमारे पास 70 है, और ये हमारे पास है, माउस जो है ना वो सही तरह से काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और ये हमारे पास आ गई है 80। ओके जी, लो जी, अब 1 से आप 2 पे 3 पे एक एक किया, इसके अंदर 10 किया, 130 इसके अंदर किया तो 8, ये भी 110 और ये भी 110, तो इसका मतलब है ये दोनों सेलेक्ट होंगे, 110 हमारा वेट सेलेक्ट हो गया, और स्टेज कौन सी है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ज़रा वापस आके एक दफ़ा देख लें, हमने 10 से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो 8 और 9 हमारे पास ये याद रखें इनका एफ ऑफ एस ये है, ये सिर्फ स्टेज का नंबर है जो अगले सेल्स के अंदर हम एक ही कॉलम में लिख रहे हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस टेबल के अंदर हम देखें एफ ऑफ एस और उसका नाम एक ही कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है, चूँकि दरमियान में इंटरमीडिएट स्टेट्स मौजूद हैं, यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट्स दरमियान में थी नहीं इसलिए हमने इनको अलग-अलग कॉलम में लिखा है, ये आपका नेक्स्ट टेबल्स में ये सेम है, ये जहन में रखना, ठीक है। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे कलेक्ट करते चले जा रहे हैं, फिर हम आगे गए, फिर वही तरीका, फिर आगे आए, फिर वही तरीका। अब ज़रा देखें हमारे पास क्या बना, हमने शुरू ये कहाँ से किया, हमने यहाँ से शुरू किया एफ वन और एक्स, एफ वन ऑफ एस एंड एक्स वन, फिर हम एफ टू, फिर एफ थ्री और एफ फोर पे हम चले गए। एफ वन में 8 और 10 के दरमियान कोई भी इंटरमीडिएट की स्टेज नहीं थी, लिहाजा ये 30 और 30 आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो 8 नंबर स्टेज थी इसकी वैल्यू बन गई 30, ठीक है, और ये जो स्टेज थी इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो बन गई 9 की कितनी थी 40, तो ये हमारे पास बन गई 40। इस 30 और 40 के हिसाब से हमने ये 5 6 को कैलकुलेट किया, 10 प्लस 30, 6 प्लस 30 और 30 प्लस 30, इसी तरह 40 प्लस 40 और ये करके हमने ये लिया, तो यहाँ से जो मिनिमम कॉस्ट है सेलेक्ट की, इसकी मिनिमम 40 और 80 में से 40 लिया, 90 और 70 में से 90 लिया, 70 लिया, 70 और 60 में से ये लिया, 8, 9 और 10 की जो नई कास्ट हम जो 5, 6 और 1 ही आ गई वो आ गई 40, यानी यहाँ पे अब जो 40 ये बन गया हमारे पास 40, और ये 6 जो है ये बन गया हमारे पास 70, और ये जो था ये हमारे पास बन गया 60, ठीक है। उसके बाद हमने 2, 3, 4 को कैलकुलेट किया, 2, 3, 4 में क्या था 70, 40 और 60, तो 70 प्लस 40, 40 प्लस 70 और ये कैलकुलेट किया, ये अब हमारे पास एक चैनल आ गया। अब हमारा डायनामिक प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है।
कैसे कंप्लीट हुआ? ये वन है, वन से ये जा सकता है थ्री या फोर के ऊपर, कोई भी एक चूज कर लें। वन से ये चला गया थ्री के ऊपर, ठीक है। वन से कहाँ चला गया? ये थ्री के ऊपर, ये आ गया जी वन, और ये वन से चला गया थ्री के ऊपर, थ्री पे आ जाएंगे। थ्री से ये कहाँ जाएगा जी? ये जाएगा पाँच के ऊपर, थ्री के, ठीक है जी। थ्री से ये चला गया पाँच के ऊपर, पाँच पे आ जाएंगे ये। पाँच से ये कहाँ जाएगा जी? आठ के ऊपर जी, तो ये आ गया जी आठ के ऊपर। और आठ से ये कहाँ जाएगा? डायरेक्ट दस के ऊपर जाएगा जी। समझ आ गया? एक, तीन, पाँच, आठ और दस हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे टोटल इनको आप, तो ये कॉस्ट कितनी है जी? ये आपकी है 110, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाएं जी, दूसरा पाथ है जी कि नहीं जी, ये वन से आएगा जी फोर के ऊपर, वन से आया ये फोर के ऊपर, ये आ गया जी वन से फोर के ऊपर, ये आ गया वन से ये फोर के ऊपर आ गया। फोर में जब आया तो आगे फिर दो रास्ते हैं, फाइव या सिक्स, हम इसे फाइव पे ले जाते हैं। वन से ये फाइव पे चला गया, ठीक है जी। वन से ये फाइव पे चला गया, फाइव से दोबारा ये आठ पे चला गया, और आठ से फिर ये कहाँ चला गया? दस के ऊपर चला गया, ये आ गया जी। फिर दूसरी ऑप्शन क्या थी कि एक से ये चार पे आया, लेकिन चार से ये छः पे जाता है, यानी छः पे। अगर ये छः पे जाएगा तो चार के बाद ये गया छः के पास यहाँ पे, और उसके बाद छः में क्या है जी? छः के आगे है नाइन, तो ये चला गया नाइन के आगे, और नाइन के आगे फिर जो है वो डायरेक्टली टेन है, तो ये 10 के ऊपर चला गया, ठीक है। इन सब के जो वैल्यूज़ हैं जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, यानी एक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दो की, तीन की, पाँच की, तो आप देखोगे कि इन सब के वेट्स जो हैं ये आपके पास एक से लेकर दो, दो से लेकर चार, और ये इसको कैलकुलेट करें जी अब एक से तीन के ऊपर, ये एक है और ये तीन है, कितना है जी? 40। उसके बाद जी ये 40 आ गया जी, ठीक है। उसके बाद चार के बाद कहाँ गया? ये पाँच के ऊपर, चार के बाद, सॉरी, एक के बाद गया तीन पे, और तीन के बाद गया ये पाँच के ऊपर, तीन और ये पाँच, तो ये कितना है जी? ये है 30 जी, 40 जमा 30 जी। तो उसके बाद पाँच के बाद कहाँ गया? आठ के ऊपर, ये पाँच है और ये आठ है, तो ये आ गया यहाँ पे, कितना हो गया जी? 10 हो गया, ठीक है। और ये कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आठ के बाद ये कहाँ गया? 10 के ऊपर, तो आठ के बाद जो है ये 10 के ऊपर जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा। इन सब को जमा करें जी, 40 जमा 30 70 है, 40 70 है, 70 और 10 30, 100 है, 100 और 10 कितना हो गया? इसकी कॉस्ट जो है वो 110 आ गई। अब आ जाएं दूसरी तरफ, एक, चार, पाँच और आठ को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक, चार, पाँच और आठ जी, ठीक हो गया जी। इसके लिए मैं कलर ले लेता हूँ ग्रीन जी। एक, चार, पाँच, एक से ये गया चार के ऊपर, तो इसे मिला जी यहाँ से 30। चार के बाद ये गया छः के ऊपर, तो चार और छः के दरमियान क्या है जी? 10 जी, ठीक है। छः के बाद गया ये नौ के ऊपर, नौ के दरमियान क्या है जी? 30 जी। नौ के बाद ये 10 पे गया, तो 10 और नौ के दरमियान क्या है? 40। इनको कैलकुलेट करें, 40 और 30 70, 70 और 10 80, 80 और जो 40 है ये हमारे पास क्या आ गया जी? 120 आ गया जी। उसके बाद आ जाए जी एक, चार, 6 9 10, इस तरह आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और जो इनके दरमियान सबसे कम वेट होगा वो आपका पाथ होगा जी। समझ आ रही है? F4 स्टेरिक ऑफ 1, ये जो हमारा पाथ है ये 110 यील्ड करेगा, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और इस तरह डायनामिक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। डायनामिक प्रॉब्लम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जी, प्रॉब्लम डिवाइड हो सकती है स्टेजेस के अंदर, ठीक है। हर स्टेज को एसोसिएट किया जा सकता है दूसरी के साथ, हर स्टेज का डिसीजन जो है वो उसकी स्टेट को चेंज करेगा। करंट स्टेट के ऊपर आप जो भी डिसीजन लगाएंगे वो बाकियों पे भी चलेगा। प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बिगिंस विद फाइंडिंग द ऑप्टिमल, जो हम निकालेंगे वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही होगा। रिकर्सिव फार्मूला बार बार यूज़ किया जाएगा, और सारी प्रॉब्लम में रिकर्सिव रिलेशनशिप जो है ये मौजूद रहेगा। इसको आपने अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद कर लेना है जी बेटा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहले हमने नहीं पढ़ा, हो सकता है ये वीडियो आपको बार बार देखनी पड़े, फिर भी अगर कहीं पे पहले आपने देखनी है, समझनी है, मुश्किल कोई नहीं है। जमा तफरीक किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप उसको रिपीट करके देखेंगे, और उसके बाद आप मुझसे रब्ता करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी।